सावित्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है। सावित्री की रसोई में आज बनी ये शकरकंद की पूड़ी बनी हुई है। देखिए, आपने शकरकंद के पुआ खाए होंगे, गुलगुला खाए होंगे, पर आपने शकरकंदी की पूड़ी नहीं खाई है। तो मैंने ये नई रेन्यू डिश है मैंने बनाई, शायद आपको पसंद आए। मैंने यही सोच के बनाया कि आप लोगों को भी पसंद आएगी, मेरे यहाँ तो पसंद है। आप बनाओगे ना तो सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। आपकी तारीफ किए बिना वो मान नहीं सकते, रुक नहीं सकते। तो चलिए, इस शकरकंदी ली है जिसको मैंने उबाल लिया है और छील भी लिया है। तो इसकी हम आपने अभी तक पूड़ी कई तरह की खाई होंगी आपने, पर शकरकंदी की पूड़ी जो आपने अभी तक नहीं खाई होगी, ये नाश्ता में आप इसे ले लें, आप कहीं जा रहे हैं तो भी आप इसे लेके जा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये शकरकंदी पूरी मैश कर दी है फूक की मदद से या हाथ से, आपको जैसे भी करना हो तो आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी हो गई है। हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये हरी धनिया ली है, हरी धनिया और हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, इसको भी हम डाल देंगे। हम डालेंगे इसमें साबुत जीरा, साबुत जीरा डाल दिया है, और इसमें डालेंगे हम सौंफ, सौंफ डालेंगे इसमें आधी चम्मच। तो मैंने सौंफ ले ली। अब इसमें हमें डालना है आटा, इसमें हम डालेंगे बेसन, जो मैंने बेसन लिया है 3 से 4 चम्मच, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 3.5 चम्मच डाला है, और हम इसमें आटा डालेंगे। आटा हमें डालना है 6 चम्मच या आप 1 कप कह सकते हैं, जो मैंने आपके सामने लिया है 4 चम्मच हो गया है, 1 कप से थोड़ा कम है आटा, और ये 6 चम्मच आटा हो गया है। हमें डालना है इसमें नमक, जो अभी तक मैंने नहीं डाला, तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। अब इसमें मोहन मैंने नहीं डाला है। अब हम इसे करेंगे सबसे पहले मिक्स, कितना इसमें और हमें पानी डालना है या नहीं डालना है वो बाद में पता चलेगा, पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अब हमें इसमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना, नहीं तो आटा ही गीला हो जाएगा, क्योंकि इसमें शकरकंदी है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, तेल या घी जो आपको पसंद हो। मैंने तेल इसलिए लिया है कि नमकीन है, मीठा होता तो इसमें घी लगाना होता। लीजिए, हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए 10 मिनट को छोड़ देते हैं। डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम बस थोड़ा सा नीडर कर लेते हैं। इसकी हम बनाएंगे लोइयाँ। अब बनाएंगे इसे लोइयाँ, तो हम आधा इसे काट लेते हैं, आधा साइड से रख देते हैं। तो इसकी बना लेंगे लोइयाँ। देखिए इस तरह से, इसी साइज की मैंने 6 बना ली। अब इनको हटा देते हैं, 1 लेंगे, बाकी साइड से रख देते हैं। अब लीजिए, आटा हमें सूखा लेना है, डस्ट करना है। अच्छा, मैंने इसमें गेहूं का आटा मिलाया है, और आप चाहें तो आप इसमें मैदा, या जैसे मैंने बेसन कम डाला है तो आप बेसन की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं, और मैदा ले सकते हैं, या गेहूं का आटा कम कर सकते हैं, बेसन ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, हम इसी तरह की पूड़ी बेलेंगे। अभी मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। थोड़ी मोटी रहेंगी क्योंकि मिर्ची कटी हुई डली है, और आपको दिखा देते हैं। देखिए, और थोड़ी ऐसी फटी हुई रहेंगी। यदि आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप बड़ी विलके ने काट सकते हैं। तेल या घी जिसमें आप सेकना चाहें, थोड़ा सा टुकड़ा लेके हम डाल देंगे। हमें पता लगे, देखिए तैयार हो गया है, गर्म है, जितनी हमें ज़रूरत है। इसको हम निकाल देते हैं और हम इसमें डालेंगे पूड़ी। तो आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो आप उस हिसाब से इसमें पूड़ियाँ डाल सकते हैं। और इसे मीडियम आंच में सेकना है, ना हमें हाई फ्लेम करनी है, ना ही बिल्कुल स्लो करनी है। स्लो करेंगे तो ये घी या तेल जो भी वो पूड़ियाँ पी जाएंगी, और हाई करेंगे तो बाहर से तो ये हो जाएंगी, सिक जाएंगी, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि शकरकंद की है।
और देखिए फूल भी रहे हैं। हम हल्के हाथ से हम ऐसे दबाते हुए ने सेक रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं है, मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं काट रही हूँ, पूरा पूरा आपको दिखा रही हूँ। आप भी बिना स्किप करे देखें ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए, और बीच बीच में आप स्किप कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बने हैं, फिर आपका वीडियो सही नहीं बनेगा, तो आप बोलेंगे कि आपने बताया नहीं है कि हमारा वीडियो ख़राब हो गया है, हमने जो भी